यदि अभी तक आपने च्यवनप्राश खाना नहीं चालू किया तो कृपया करके च्यवनप्राश खाना चालू कर दीजिए, क्योंकि यार च्यवनप्राश खाने के बाद आपके अंदर तरह तरह की एनर्जी आ जाएगी। और आपको यदि एग्जाम्पल ढूंढना है ना, तो यार मार्केट में एक ऐसा एग्जाम्पल है जिन्होंने तो पता नहीं क्या कर रखा है, वो है रियलमी। रियलमी ने अभी रियलमी 5 Pro को इंडिया में लॉन्च किया था 14,000 रुपए का, फिर आया रियलमी का X जो आया 17,000 रुपए का, और अब बारी है रियलमी के XT की, जहां पर आपको इंडिया में पहली बार 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिल गया और यहां पर आपको 4 आंखें मिल जाती है। यार 64 मेगापिक्सल का आपको कैमरा मिल गया 16,000 रुपए में। कुछ ऐसे भी नादान परिंदे हैं जो ये कहते हैं कि भाई देख मेरे फोन में 64 मेगापिक्सल का कैमरा है, तेरे फोन में क्या है, बस 16 मेगापिक्सल का कैमरा, बस 48 मेगापिक्सल का कैमरा। अब यार उन सभी लोगों से मैं इतना कहना चाहूंगा कि भाई थोड़ा सा अपने दिमाग में जोर डालो, और जोर डालने के बाद इस वीडियो को पूरा देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इस फोन में जो 64 मेगापिक्सल वाला कैमरा है वो नाम का है या काम का है। और साथ में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इस फोन का कैमरा कितना लाजवाब है और कितना आपको धोखा दे जाएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, यहां पर आपको 4 आंखें मिल जाती है। सबसे पहला वाला है 64 मेगापिक्सल का, जो है सैमसंग का GW1 सेंसर, और यहां पर जो अपर्चर है वो है f1.8 का। उसके बाद आपको मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, जहां पर आप 119 डिग्री तक के अल्ट्रा वाइड वाले शॉट ले सकते हैं। और उसके बाद आपको 2 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है जो आपका डेप्थ के काम आ जाएगा। इसका जो अपर्चर है वो है f2.4, और साथ में एक आपको 2 मेगापिक्सल का माइक्रो शॉट्स के लिए मिल जाता है जिसका अपर्चर है f2.4, और आपको आगे की तरफ मिल जाता है 16 मेगापिक्सल का सेंसर जो है सोनी का IMX471। यहां तक तो आपको सब कुछ समझ में आ गया कि भैया यहां पर आपको 4 आंखें मिलती है। अब नजर डाल लेते हैं सेटिंग में, यहां पर आपको सारे के सारे मोड दिखा देते हैं कि भैया सबसे पहला ऑप्शन है वीडियो का, उसके बाद आपको फोटो का ऑप्शन मिल जाता है, पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिल जाता है, और यदि आप यहां पर जहां पर 3 डॉट है यहां पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन है अल्ट्रा 64 का, जहां पर आप 64 मेगापिक्सल वाली फोटो ले सकते हैं, और जो फोटो का साइज होगा वो नॉर्मल फोटो से ज्यादा होगा, लगभग 15 से लेकर 20 MB तक। उसके बाद आपको नाइट स्केप मोड मिल जाता है जो आपको रात में काम आएगा, आपकी जो फोटो है वो ज्यादा इनहेंस हो जाएगी, मैं आपको आगे डिटेल में दिखाऊंगा। और साथ में आपको मिल जाता है पैनोरामा मोड, उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है एक्सपर्ट मोड का, जहां पर आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं, टाइम लैप्स का ऑप्शन मिल जाता है, और साथ में आपको स्लो मोशन भी मिल जाता है, और यहां पर आप 960 fps तक के स्लो मोशन वाले वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, और उसके साथ-साथ वीडियो आप 4K तक के रिकॉर्ड कर सकते हैं, और ऊपर की तरफ आपको HDR का ऑप्शन मिल जाता है, और साथ में यदि आपको वाइड एंगल वाली फोटो लेनी है वो भी ऑप्शन मिल जाता है। यहां पर आपको क्रोमा बूस्ट मिल जाता है, और ये है कुछ फिल्टर जिसकी वजह से आप फोटो को और भी कमाल की बना सकते हैं, मतलब इतनी सारी चीजें आपको सेटिंग में मिलती है। चलिए सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल फोटो दिखा देता हूं। यदि आप नॉर्मल फोटो पे नजर डालेंगे तो यार यहां पर आपको जो फोटो है वो देखने में बहुत अच्छी दिख रही होगी, बट मैं आपको ये कह दूं कभी कभी यहां पर वाइड बैलेंस थोड़ा इधर उधर हो जाता है, डिटेल भी यहां पर फीकी पड़ जाती है। ये फोटो यदि आप इंस्टाग्राम और फेसबुक में डालेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि यार फेसबुक और इंस्टाग्राम में फोटो जितनी इनहेंस हो जाए उतना अच्छा होता है, और देखने में ये फोटो आपको अच्छी दिखेगी। बस यार और थोड़ा सा यहाँ पर रियलमी वाले काम कर दे तो और ज्यादा मजा आ जाएगी। अब मैं आपको दिखा देता हूँ 64 मेगापिक्सल वाली फोटो। जब भी आप 64 मेगापिक्सल वाली फोटो देखेंगे दूर से तो आपको दिखेगा कि भैया यहां पर आपको जो कलर दिख रहे हैं वो काफी पंची दिख रहे हैं, काफी अच्छे दिख रहे हैं, और आपको ऐसा लगेगा कि यार जो नॉर्मल फोटो है और जो 64 मेगापिक्सल वाली फोटो है अंतर देखने को मिलेगा। और असली चीजें तब समझ में आती है जब आप फोटो को जूम करेंगे, जूम करने के बाद कुछ हद तक ये फोटो आपको सही दिखेगी। मैंने फोटो क्रोमा बूस्ट ऑन करके लिया है, HDR मोड ऑन करके लिया है, और मुझे ये सारी की सारी क्वालिटी मिली है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यार 64 मेगापिक्सल वाला जो यहां पर आपको सेंसर मिलता है वो आपको कितनी डिटेल दे जाएगा। आपने 64 मेगापिक्सल वाली फोटो देख ली, आपने नॉर्मल फोटो देख ली, अब बात कर लेते हैं पोर्ट्रेट की। यहां पर आप पोर्ट्रेट वाले जो फोटो है उसे निकाल सकते हैं, देखने में दूर से ये फोटो आपको अच्छा दिखेगा, पीछे की तरफ आपको सब कुछ ब्लर दिखेगा, बट यहां पर भी
जब आप जूम करेंगे ना, जो डेप्थ है, जो यहाँ पर आपको कॉर्नर्स हैं, वो थोड़े से फीके दिखते हैं, मतलब यहाँ पर जो डिटेल है उसकी कमी है, और ये सारी की सारी चीजें फिक्स हो सकती हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू। और जब भी रियलमी अपडेट देगा उसके बाद हो सकता है पोर्ट्रेट मोड में सुधार आ जाए, और ये रियलमी बहुत जल्दी कर सकता है अपडेट के थ्रू। चलिए अब मैं आपको माइक्रो शॉट्स दिखा देता हूं। यहाँ पर जो माइक्रो शॉट्स है इसे आप ले तो सकते हैं, यहाँ पर आपकी फोटो आपको अच्छी दिखेगी। मैं आपको बार बार ये चीज कह रहा हूं, यदि आप इसे सोशल मीडिया में डालेंगे ना तो आपको मजा आ जाएगा यार, आपको 2 मेगापिक्सल का माइक्रो शॉट्स मिल जाता है, ये इसका प्लस पॉइंट है। और प्लस के हिसाब से और 2 मेगापिक्सल के हिसाब से यहाँ पर जो माइक्रो शॉट्स है वो आपको कमाल के दिख जाते हैं। चलिए यहाँ पर आपको एक और सेंसर मिलता है जो है अल्ट्रा वाइड वाला। अल्ट्रा वाइड वाला आपको 119 डिग्री तक की फोटो दे देता है, और जो फोटो की क्लियरिटी है, जो फोटो की क्वालिटी है, और साथ में जो कलर है वो भी आपको काफी पंची दिखते हैं। और यार आप चौड़े होके फोटो ले सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से यहाँ पर जो आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है वो आपको अच्छा मिल जाता है। अब मुझे आप बताइए आपके हिसाब से यहाँ पर 64 मेगापिक्सल वाली जो फोटो है वो आपको कितनी अच्छी लगी है। चलिए ये तो रही फोटो की बात, अब चलते हैं फटाफट रात की तरफ। रात की तरफ यहां पर आपको नॉर्मल फोटो जो आप लेते हैं इसके नॉर्मल सेंसर से, वो यार आपको ठीक ठाक क्वालिटी दे जाता है। कभी कभी जो आपकी फोटो होती है ना, यहां पर आपको कलर ज्यादा अच्छे नहीं मिलते हैं, और नाइट में यदि आपको ज्यादा अच्छी फोटो लेनी है तो आपको नाइट स्केप मोड मिल जाता है। अब आप थोड़े से सैंपल देखिए, एक तरफ आपको नॉर्मल फोटो दिख रही है और एक तरफ आपको नाइट स्केप मोड वाली फोटो दिख रही है। जो फोटो है वो आपको ज्यादा ब्राइट दिख रही है नाइट स्केप मोड में, बट जो डिटेल है उसकी थोड़ी सी कमी है, और कलर बस आपको पंची दिख रहे हैं, और देखने में ये फोटो आपको अच्छी दिखेगी। क्योंकि यार जो फोटो आजकल आती है ना, सब लोग उसे ऑनलाइन शेयर करते हैं, यदि आपको ऑनलाइन शेयर करना है तो आपको ये फोटो अच्छी दिखेगी। नाइट में यदि आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो यहां पर भी यही कंडीशन है कि भैया यहां पर भी आपको ग्रेन्स देखने को मिलते हैं। तो यार मेरे हिसाब से जो उसका नाइट स्केप कैमरा है वो आपको ठीक ठाक डिटेल दे देता है, और ये सारी की सारी चीजें धीरे धीरे सही हो सकती है। चलिए अब बात कर लेते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग की। अब आप थोड़े से सैंपल देख लीजिए, जब भी आप सैंपल देख रहे हैं तो यार यहाँ पर जो कलर है वो आपको काफी ब्राइट दिख रहे हैं, काफी अच्छे दिख रहे हैं, और काफी यहाँ पर आपको डिटेल दिख रही है। बट यार यहाँ पर आपको EIS तो मिलता है यार, इतना ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं है, मतलब यार जो वीडियो है वो उतना स्मूथ नहीं बन रहा है। यहाँ पर EIS में रियलमी को काम करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं। अभी वीवो का G1X आया है जहां पर आपको कमाल का कैमरा मिल जाता है, और साथ में इन्हीं का ऑप्शन है रियलमी 5 प्रो जहां पर आपको EIS मिलता है। और मेरे हिसाब से उस फोन का जो EIS है ना वो आपको काफी अच्छी वीडियो क्वालिटी दे जाता है। चलिए अब मैं आपको थोड़े से आगे वाली फोटो दिखा देता हूं। यहां पर जो 16 मेगापिक्सल वाला सेंसर है वो आपको ठीक ठाक इमेज दे देगा। मेरे हिसाब से 16 मेगापिक्सल वाला जो कैमरा है ना, इससे आप ऐसे इमेज ले सकते हैं जो आप कहीं भी शेयर कर सकते हैं, और आपका चाहे जैसा कलर हो ये आपको ब्राइट कर देगा, और आपको चिकना कर देगा, आपको खूबसूरत कर देगा, और आप अपनी फोटो को और भी तरह से इनहेंस कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपको बहुत सारे फिल्टर मिल जाते हैं। और मैं आपको ये बता दूं, यदि आप यहां से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो यार मेरे हिसाब से यहां पर जो वीडियो की क्वालिटी है वो भी आपको ठीक ठाक मिल जाती है। अब मैं आपको टाइम लैप्स दिखा देता हूं। यहां पर आप टाइम लैप्स की वीडियो बना सकते हैं, और वैसे जिन लोगों को टिकटॉक में अपनी महारत दिखानी है तो यार उनके लिए टाइम लैप्स और स्लो मोशन का ऑप्शन मिल जाता है। तो भैया ये तो सोने पे सुहागा है। क्या यहाँ पर हर एक चीज आपको परफेक्ट मिलता है? क्या इस फोन का 64 मेगापिक्सल वाला जो सेंसर मिलता है वो सही है कि नहीं सही है? तो मैं आपको क्लियर शब्दों में ये बता दूं, 64 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको सेंसर मिल तो जाता है, थोड़ा सा यार और इम्प्रूवमेंट मांग रहा है। धीरे धीरे करके ये सारी की सारी चीजें फिक्स हो सकती है। जब भी यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा तो यार अभी के लिए 16,000 रुपए में ये जो डिवाइस है वो किलर डिवाइस है। क्योंकि यार यहाँ पर आपको एमुलेट पैनल मिल जाता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिल जाता है, आपको स्नैपड्रैगन का 712 मिल जाता है,
दिखाने के लिए और साथ में लेने के लिए भी फोटो आपको 64 मेगापिक्सल का सेंसर मिल जाता है और लुक एंड फील के मामले में ये फोन बहुत ही अच्छा है। बड़ी सी आपको बैटरी मिल जाती है, टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, वूक चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है और अब मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि भैया रेडमी का नोट 8 प्रो इंडिया में कब आएगा, तब असली टक्कर होगी कि भैया 64 मेगापिक्सल वाला जो सेंसर है वो शाओमी का ज्यादा अच्छा है या रियलमी के XT का ज्यादा अच्छा है। अब यार ये तो आगे आने वाला टाइम ही बताएगा कि यार बाजी कौन मारेगा। अभी के लिए तो यार रियलमी का XT काफी अच्छा ऑप्शन है और मार्केट में जितना ज्यादा भूचाल होगा, जितना उठा पटक होगी, उतना फायदा हम लोगों का होगा क्योंकि बहुत ही जल्दी रियलमी XT का बड़ा भाई भी आने वाला है। अभी भी आपके दिमाग में डाउट है, क्वेश्चन है, वो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो यार वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मन करे तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जस्ट बगल में आपको एक बेल बटन मिलेगी, इसे प्रेस कर देंगे तो आपको हर एक वीडियो सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।